कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी जगह पे हो, हमें हर एक इंसान की वैल्यू करनी चाहिए. छोटा हो, बड़ा हो, आपकी लाइफ में भले दो पल के लिए आया हो, हम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं. हमारा आज यहाँ बैठना भी ऐसे ही नहीं है, कोई रीज़न है. तो लाइफ में झगड़ों को, किसी की बातों को जितना अवॉइड किया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर. फिल्मों में, सीरियल्स में जब हम करियर बनाने की सोचते हैं तो थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा डरते हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं काम मिलना शुरू हो जाता है. लेकिन क्या फिर काम लगातार मिलता रहता है या उसमें भी बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, यही बात जानेंगे आज के इस वीडियो में. आखिरी तक देखिएगा. मेरे साथ हैं शिवम सेंगर, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. थैंक यू सो मच. आज आप सीरियल कर रहे हैं गुड़िया हमारी सब पे भारी. जी जी. सबसे पहले तो इस करेक्टर के बारे में बताइए, क्या प्ले कर रहे हैं? बेसिकली दिस करेक्टर इज राजू. राजू इज अ गाय जो गुड़िया के भाई का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है कॉलेज टाइम में. अब दोनों की अपनी अलग अलग जर्नी है विच आई कैन नॉट रिवील. ओके. सो अपने दोस्त से मिलने आता है किसी वजह से. तो जो राजू है बहुत फन लविंग है, बहुत फन लविंग है, बहुत जॉली नेचर है, हर किसी से मिल जाता है. जैसे गुड़िया हमारी एक बच्ची है तो उसके साथ बच्ची बन जाता है, राजू के साथ दोस्त याराना जैसे हो जाता है, उसके घर वालों के साथ एकदम फैमिली जैसा हो जाता है. आपने शुरू से एक्टर बनने का सोचा था? मेरे डैड ने पूछा मुझसे कि करना क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है. तो बोले कि ठीक है, बट तुम करोगे कैसे, तुम कभी रहे नहीं हो घर से दूर, और मतलब कैसे संभालोगे सब कुछ. तो एक काम करो तुम ना, यहाँ पे पहले कुछ टाइम नौकरी करके दिखा. कहाँ पर? इंदौर. इंदौर में. ओके. सो आई स्टार्टेड एक्चुअली माय लाइफ एज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिव इन इंदौर. तो दो साल काम किया अलग अलग जॉब्स की. डैड को बोला कि देखो अभी मैं अपना ख्याल तो रख ही सकता हूँ एटलीस्ट. सो उन्होंने बोला ठीक है जाओ. फिर कोशिश की आने की बट हुआ नहीं. फिर कॉलेज किया कम्प्लीट. तो फिर फाइनली 2013 आई केम टू मुंबई एंड I started my career as an actor. 2013 में जब आप आए तो साबित कर चुके थे घर वालों को कि मैं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन आपने अपने पैशन को नहीं छोड़ा. उसके बाद भी आए कि मुझे एक्टर बनना ही है. नहीं तो कई लोगों के मन में डर आता है कि यार अब जॉब कर रहा हूँ, कंफर्टेबल जोन आ गया है, जाऊँ नहीं जाऊँ, और वो वहीं पर रुक जाते हैं. आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, मन में ख्याल नहीं आया? सच बताऊँ ना कि बहुत 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 सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे आए. जब 2013 में आया मैं तो आते से पहले तो देखना था कि मुंबई है क्या, जानना था कहाँ पे क्या होता है, किससे मिलना होता है. फिर कुछ वर्कशॉप्स की, कुछ लोगों से मिला, तो इसमें ना एक साल निकल गया मेरा. ओके. एक साल निकल गया, बट मुझे इतना पता था कि मुझे यही आता है, इसके अलावा कुछ और करके मेरा मन भरेगा नहीं. बिकॉज जॉब तो मैंने वहाँ पे भी की, करते रहता तो शायद अभी तक एक सेटल्ड नहीं होता लाइफ में. सेटल शायद शादी हो जाती है अभी तक. ऑनेस्टली आई एम ग्लैड अभी तक नहीं हुई. फिर जब कर रहे थे कोशिश, ऑडिशंस वगैरह देना शुरू किए होंगे आपने? जी जी. तो जी, फिर जी. कितने ऑडिशन दिए और पहला मौका कब मिला? तो पहला मुझे शो, मुझे आज तक याद नहीं है कि जो मैंने पहला शो किया नादान परिंदे लाइफ ओके, वो कॉल किसके थ्रू आया था मुझे बिल्कुल नहीं पता है. इट वॉज माई फर्स्ट शो एंड देन द शो डिडंट वर्क. कुछ 3-4 महीने चला वो शो, बंद हो गया. फिर वही दौर चालू, ऑडिशंस का दौर चालू. अब जब क्या होता है ना, पहले जब आते हो जब तक काम नहीं मिलता है तब तक आप ना हर जगह जाते हो, ऐसे भागते रहते हो. जब एक शो कर लेते हो तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं इस लायक हूँ, तभी मुझे ये मिला है, राइट? तो मेरे लिए और चीज़ें हैं, मैं यूँ ही तो नहीं हूँ यहाँ पे. फिर उस चक्कर में कोशिश करते रहे, करते रहे, करते रहे. फिर एक दौर आया कि जहाँ पे नहीं मिला, एक टाइम आता है जब आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं. मैं इंदौर वापस चला गया. और कितने टाइम के बाद इंदौर वापस गया? मैं मतलब नादान परिंदे के बंद होने के बाद कितने दिन सर्वाइव किया आपने? मैं सर्वाइव कर पाया कुछ 5-6 महीने. ओके. एक इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली एक मानसिक संतुलन भी एक चीज़ होती है जो एक तो आप यहाँ ऐसे बिना फैमिली के रहते हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जो बिल्कुल आसान नहीं है, कभी कभी आप बिल्कुल सरफरे हो जाते हो कि भाई कर क्या रहे हो, राइट? तो मैं अपना बैग लेके चला गया वापस. फिर मुझे फिर से एक कॉल आता है मुंबई से. दिस गाय नेम इज़ उमेश यमगार, जिन्होंने मुझे शो के लिए बुलाया था बदतमीज़ दिल. उन्होंने बोला कि शिवम एक शो है करेगा स्टार प्लस के लिए है.
एंड आई वाज लाइक सर मैंने मुंबई छोड़ दी है. अच्छा आपने बोल दिया क्लियर. जी मैंने बोला सर छोड़ दिया पता नहीं मैं मतलब. तो बोले काम कर आ एक ऑडिशन दे और चले जा. मैं आया एक दोस्त के यहाँ रुका ऑडिशन दिया. तो वेरी नेक्स्ट डे हम दोनों गोवा चले गए. 10 दिन के बाद गोवा से आए मैं शायद भूल गया कि ऑडिशन जैसा भी कुछ हुआ. मुझे लगा कि यार आई हैड फन आई थिंक आई एम वेरी रिफ्रेश राइट नाउ तो मैं फिर से शुरू करूँगा. अच्छा हाँ मैं फिर से शुरू करूँगा ऑडिशन देना. ओके ये माइंड सेट हो गया. ये माइंड सेट बिकॉज आई वाज हैप्पी राइट. एंड द मोमेंट आई लैंडेड हियर मैं घर में जा रहा हूँ मुझे कॉल आता है सी आई कैन सी माय गूज़बम्प्स हो गए सर कि शिवम हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया और ये पहला लीड है आप जो लीड एक्ट्रेस है उसके भाई हो. एंड आई वाज वेरी हैप्पी आई वाज वेरी हैप्पी है. फिर वो शुरू हुआ. हम लोगों ने कुछ मई में शूटिंग स्टार्ट की थी 2015 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. इट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर मी. वो सब शो चलते रहा. पहली बार मुझे ना फेम मिला. मैं इंदौर गया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझसे सेल्फी के लिए पूछा हालांकि मैंने आपको कल देखा बिकॉज राखी आई थी बीच में तो राखी के लिए घर गया था. तो मुझे ना लाइक आई रियली गॉट फेमस बाय नेम ऑफ टुन्नू. ओके यू नो जो करेक्टर नेम था टुन्नू. तो अच्छा खासा ट्रैक चला मेरा 2-3 महीने हम लोग का शो वो भी 4 महीने में बंद हो गया. एंड आई वॉज लाइक वेरी सैड. तो मिस्टर टेरेंस रेस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड सो आई जस्ट मेट हिम एंड आई सेड मुझे नहीं पता मैं करूँ क्या. थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा था कि सर क्योंकि मैं मुझे कॉल्स आ रहे थे शोज के लिए मैं ऑडिशन दे रहा था बट इट वॉज नॉट हैपनिंग. तो फिर मैंने बोला कि आई डोंट नो व्हाट टू डू आई जस्ट वॉन्ट टू बी बिजी. तो ही सेड कि डू वन थिंग हैव यू डन एवर डांस क्लासेस इट विल चेंज यू आई सेड नेवर. तो बोलते ठीक है करते हैं. तो मैंने उनकी डांस क्लासेस ज्वाइन की फॉर 3 मंथ्स. तो वो जो 3 महीने में डांस क्लासेस कर रहा था सडनली ट्रस्ट मी मैं एक जगह पे खड़े होकर ना भाजी खरीद रहा था. वहाँ पे ना जो एक राइटर है मतलब मैं उन्हें 1-2 साल से जानता हूँ. हम लोग कभी कभी फिल्म देखने के लिए मिलते थे. एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग नियर मी सर कि शिवम मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ तो तू करेगा क्या. अच्छा सर ठीक है मजाक मत करो अभी. बोलते नहीं नहीं सच में कल आ जाओ ऑडिशन के लिए. मैंने कहा ऑडिशन नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी हो जाए देना है. तो माड़ा गया मैं नेक्स्ट डे ऑडिशन. अखिलेश जी नाम है उनका. गया और दिया और मैं सेलेक्ट हो गया. बोला कि तुम ये करेक्टर कर रहे हो हम ये फिल्म कर रहे हैं. फिल्म का नाम है पेनल्टी जो अभी रिलीज हुई एक महीने पहले मतलब जो 2016 में जो हुआ था मतलब वो डांस क्लासेस ख़त्म होने को थी मुझे ये फिल्म मिली थी. हम लोग लखनऊ गए शूट की फिल्म वेरी एक्साइटेड. वापस आया तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार मतलब मैं अपनी जर्नी देख रहा था. 13 आई केम 14th में एक शो मिला 15th में उससे बड़ा शो मिला 16th में एक फिल्म शूट कर ली. तो सही चल रहा था मतलब सही चल रहा था. फिर लगा था कि यार अब एक स्टेप आगे होना चाहिए. आई रियली लाइक यू नो आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. मुझे लगता है कि बिना उनके मर्जी के कुछ नहीं होता है. जिस तरीके से मेरी लाइफ आगे बढ़ी है मुझे लगता है कि हर एक चीज़ के होने का एक समय है और हर एक रीज़न की वजह से हो रही है. तो मैं वापस आया मुंबई और फिर से चालू ऑडिशन. ये हमेशा यही होता है ना कि आप आते हो आप एक काम करते हो और आपको कभी कभी कॉल्स आते हैं आप शॉर्टलिस्टेड होते हो बट उसके बाद भी जब खाली टाइम है तो क्या करोगे. तो ऑडिशन गो आउट यू हैव टू मीट पीपल गिव ऑडिशंस. तो ऐसे करते करते ऑडिशन में जाते थे. एक और शो के लिए मुझे ऑफर हुआ दैट वाज अग्निफेरा विच केम ऑन NTV. तो वो ऐसा पहला शो था जिन्होंने मुझे लाइक वन ऑफ द लीड के लिए सेलेक्ट किया साइन किया. ओके मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि शिवम हम ये शो कर रहे हैं. उसके बीच में मुझे 1-2 शो मिले बट वो शो थे जो जिसमें एज लीप होता है जिसमें एक छोटे बच्चों को बड़े में दिखाते हैं उसमें ही दैट यू कम एज लीड. सो आई थॉट कि यार मेरे हाथ में एक नया शो है और कमिटमेंट भी है और सब कुछ हाथ में है एंड आई एम गोना हैव अ न्यू बेबी. तो मैं वही करूँगा. तो मैंने वेट किया कुछ अगस्त में मुझे वो शो मिला था एंड दे मेड मी वेट टिल नवंबर एंड दिसंबर तक. तो उन्होंने बोला शिवम अब ठीक है काम करो शो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुम एक बार घर हुआ बिकॉज फिर टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज 28 डेज ब्लॉक हैं. मैं गया और मैं जैसे ही इंदौर गया आई गॉट अ कॉल दैट शिवम चैनल डजंट वॉन्ट यू एनी मोर. ओ या ऐसा कुछ तो रीज़न होगा. आई स्पोक टू द चैनल पर्सन शी सेड शिवम
चैनल का डिसीजन है और कुछ कर नहीं सकते, बट मैंने कहा मैं 4 महीने बैठा हूँ, आप लोगों ने मुझे बैठाया है यहाँ पे, यू जस्ट कांट से कि नहीं हो सकता है ना, इज कॉल्ड माई प्रोड्यूसर एंड ही सेड कि शिवम बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ बट उनकी कंडीशन है कि ऐसा ऐसा, मतलब कुछ नहीं कर सकता था, मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आई कांट फाइट, आई जस्ट कैन मतलब जस्ट प्रे टू गॉड, बट उस चीज़ से टूट गया था, मतलब मैं कम्प्लीटली टूट गया एंड आई जस्ट कॉल्ड माई डैड कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, तो डैड ने बोला यार कि इतने साल हो गए हैं आज तक मैं नहीं हारा हूँ तो तू नहीं हार सकता है, कर कर लगे रहे, एंड माई मदर हैज़ बीन अ वेरी बिग सपोर्टर फॉर मी, लाइक माई बैक बोन, हमेशा से हमेशा रही हैं, मैं जब जब टूटा हूँ, जब जब मुझे लगा कि मैं वापस आ रहा हूँ, वो बोलती नहीं थ्रिले कुछ है वहाँ पे तो तू रहे वहाँ पे, तो मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर वो हुआ, उसके बाद में फिर बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार मुझे जस्ट अभी लीड ऑफर हुआ है तो मुझे तो अब मिल ही जाएगा, मैं इस काबिल, कुछ और मिल जाएगा इस काबिल, मैं आई थिंक इतना बन चुका हूँ, इतना मैं शायद सीख भी चुका हूँ तो मैं कर लूँगा, लेकिन फिर मैं करते रहा तो 17 जन से आज स्टार्टेड, नहीं हुआ, 6-7 महीने निकल गए, माई सेविंग्स वर लाइक फिनिश्ड, तो वो टाइम आया जो आपने मुझसे पूछा ना कि सेटल्ड वाला एक टाइम आया कि मेरे को समझ नहीं आया मैं करूँ क्या, बट मुझे मुंबई में सर्वाइव करना था, देन आई गॉट अ जॉब इन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, देयर इज अ क्लब इन कांदीवली, सचिन तेंदुलकर जिमखाना, सो आई वर्क देयर एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव अगेन विच आई हैव डन इन, बट इट वॉज लाइक बिट बिगर, ऑल आई हैड टू सर्वाइव, सो आई वर्क देयर फॉर 3 months, आई अरेंज सम मनी एंड आई शिफ्टेड कांदीवली एकता नगर, ताकि इकोनॉमिकली पास में था, और अगर मैं यहाँ से रह के वहाँ जाता तो मैं वहाँ काम नहीं कर पाता, राइट राइट, जो भी काम करो वो दिल से करो, राइट, तो मेरा ऐसा मानना है, तो मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, वहाँ से पैसे वैसे इकट्ठे किए, वापस आया, फिर से शुरू किया, कुछ शोज़ में शॉर्टलिस्टेड हुआ बट वो नहीं हो रहा था, मैं मतलब मेंटली ब्रेकडाउन हो गया था, नहीं पता था, वापस आया, इंदौर गया, इंदौर में फिर से मैंने जॉब पकड़ी फॉर वॉल्वो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई थिंक फॉर 2 months आई डन वॉक ओवर देयर, मन नहीं लगा, मेरी माँ ने देखा कि मतलब मैं अंदर से बहुत परेशान था, बहुत नहीं खुश था, एंड देन शी सेड गो बैक टू मुंबई, फिर से मुंबई आया, रहा, स्ट्रगल किया, मुझे काम नहीं मिला, सिर्फ शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, फाइनल हो रहा है बट मेरे साथ कुछ शुरू नहीं हो रहा है, और फिल्म की बात ये चल रही है कि अभी रिलीज होगी, तो मुझे लग रहा था कि यार फिल्म रिलीज होगी ना उससे मुझे ना थोड़ा पुश मिलेगा, सो आई कैन टेल दैट दिस इज माय वर्क प्रोफाइल, रीसेंट वर्क प्रोफाइल एंड आई हैव वर्क फॉर दिस, बट ये सब कुछ भी नहीं हैपनिंग हुआ। एग्जैक्ट 1 साल पहले मैं अपने घर से वापस आया, यहाँ पे कुछ टाइम रहा, मैंने सोचा मुंबई छोड़ते हैं, मुंबई इज़ नॉट फॉर मी, मैंने बैक पैक किया, बट एक चीज़ ये थी कि मैं घर भी जाके नहीं रह सकता था, बिकॉज मुंबई में रहने के बाद मुंबई की लाइफस्टाइल, मुंबई की चीज़ें, एंड मुझे सी से बहुत लगा हुआ है, कुछ ऐसा सीन है, मतलब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा आइडिया लगा कि मैं आल गो टू गोवा एंड आल फाइंड अ जॉब ओवर देयर एंड आल लिव देयर, आल मेक अ न्यू लाइफ ओवर देयर, आई डिसाइडेड कि मैं ना कैसीनो में काम करता हूँ, बिकॉज इट हैज़ नाइट लाइफ जस्ट लाइक मुंबई, जस्ट लाइक यू नो वी एक्टर्स हैव अ काइंड ऑफ ग्लैमरस लाइफ, और चकाचौंध भरी लाइफ है, तो मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू दिया, गोवा में गया इंटरव्यू दिया, वहाँ पे उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा शिवम कि व्हाई शुड वी हायर यू एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आई सेड मैं ना जिस इंडस्ट्री से हूँ जहाँ पे मैंने इतने साल बिताए हैं वहाँ पे रह के ना मैं कहीं और रह नहीं पाऊँगा, तो कैसीनो हैज़ अ नाइट लाइफ जहाँ पे मैं अच्छे से रह पाऊँगा, जहाँ पे मैं खुश रह पाऊँगा और शायद मैं अपनी एक नई लाइफ शुरू कर पाऊँ, सो आई वर्क देयर। कितने टाइम काम किया फिर वहाँ पे? काम किया मैंने कुछ 4-5 महीने काम किए, वही फिर पैसे इकट्ठे किए जैसे पैसे मुझे दिखे, फिर वापस आया मुंबई आया, और इतने 3 सालों में ना जो अभी तक जो मुझे काम नहीं मिला, जो नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको भी खुद को सबको बोलना चाहूँगा कि हमें ना खुद पे विश्वास तो करना ही चाहिए, खुद से ज़्यादा हमें ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी मर्ज़ी के बिना सच में कुछ नहीं होता है,
और कभी कभी हमें लगता है हम अटक गए अपनी लाइफ में, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। अगर हम ध्यान दें कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, इससे ज़्यादा कि जो भी हो रहा है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है लाइफ में। तो शायद इस बार आने के बाद मैंने कोई ऑडिशन्स नहीं दिए, मैंने कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ वर्कआउट करता था, पिक्चर्स देखता था और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करता था। सोचता था कि कमी आ कहाँ रही है, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कुछ तो है जो पहले अच्छा, मैं काम कर रहा था जो अब नहीं हो रहा है, राइट, कुछ तो है। सो देन आई गॉट टू नो माय मिस्टेक्स कि मैं शायद ये चीज़ें खुद के साथ और शायद कुछ लोगों के साथ जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई वेंट टू दोज पीपल एंड आई सेड सॉरी टू देम, व्हिच आई डिड बिकॉज मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं मैंने उन्हें उस टाइम पे एक होता है ना यार, आप समझ नहीं पाते हो, आप करना नहीं चाहते हो बट आप कर जाते हो, जाता है, राइट। मैंने वो बोला, खुद को अच्छा लगा। आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स एंड बिफोर दिस, उसके पहले मुझे जमाई राजा से कॉल आया, यू नो दे आर कमिंग विद जमाई राजा 2.0 फॉर Z5, सो आई एम प्लेइंग डीडी सन इन दैट, इट्स अ स्मॉल कैमियो इन दैट। सो देयर वाज माय फर्स्ट कॉल अभी सावन के महीने के बाद। एंड उसके बाद फिर मुझे ऐसे वजन से फिर से कॉल आया कि शिवम हमारा एक शो नया आ रहा है, गुड़िया हमारी सब पे भारी, तो इसमें एक करेक्टर है राजू, बहुत ही प्यारा करेक्टर है, करोगे? बस लाइक बिल्कुल करूँगा, बट मैं अंदर से डरा हुआ था कि यार मैं करना तो हर बार चाहता हूँ, होता भी है बट शुरू नहीं होता है। ट्रस्ट मी, इस बार कोई ऑडिशन नहीं हुआ। ओके इस बार कोई ऑडिशन नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट अ फोन कॉल, दे कॉल्ड मी, आई सेड यस, एंड द नेक्स्ट डे मेरा लुक टेस्ट हुआ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम ऑन शो। तो शिवम का ऑडिशन नहीं हुआ, इसको गलत मत समझिएगा, इसका मतलब साफ ही है कि वो इतने सालों से उसके काम को जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही उसकी जर्नी स्टार्ट भी करेगी, तो एज एन एक्टर वो पूरी ग्रोथ उसकी देख रहे थे, तो लुक टेस्ट जरूर हुआ इसको, इसलिए बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं समझेगा। शिवम, ये जो पूरी जर्नी रही ये कमाल की, और आपने जिस तरह से साफगोई के साथ एकदम ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है, ऐसा भी कम लोग करते हैं। मैं रियली आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इस तरह से उसको बताया ताकि और लोग भी समझ सकें कि एक्टिंग में, एक्टिंग के अलावा आपका एक्टर का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते तो हैं, बोलते तो हैं कि मैं बड़ा पैशनेट हूँ, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन पैशनेट अगर मैं सही बोलूँ तो आज मुझे एक ट्रू एग्जाम्पल मिला है कि जब जब मौका मिला और उतार चढ़ाव चल रहे थे, नहीं मिल रहे थे मौके, ये जाते थे, जॉब करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, फिर से एक्टर बनने आते थे। मतलब जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तब भी कुछ ना कुछ करके वापस आने की कोशिश जो होती है, ये जो जद्दोजहद होती है, ये एक्चुअली पैशन होता है। रियली थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जाने से पहले कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी जगह पर हो, हमें हर एक इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, आपकी लाइफ में भले दो पल के लिए आया हो, हम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं, हमारा आज यहाँ बैठना भी ऐसे ही नहीं है, कोई रीज़न है। तो लाइफ में झगड़ों को, किसी की बातों को जितना अवॉइड किया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत मदद मिलती है उस चीज़ से। तो बस मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगा, आई थिंक इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे शिवम सेंगर, इन्होंने जो बताया, मैं उसको अगर बताना चाहूँ तो ये अपने आप में कमाल की जर्नी, आज मुझे भी एक डिस्कवर करने का मौका मिला, और यही जॉइंट फिल्म्स का मिशन है, तरीका है कि हम उस तरह की चीज़ों को जानें कि जो एक्टर रियली काम कर रहे हैं उनके साथ क्या गुजरता है, क्योंकि अदर जगह पे आपको सिर्फ उनकी ग्लैमरस लाइफ देखने को मिलती है, उनके सिर्फ प्रमोशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो भी आम इंसान की तरह कभी कभी टूटते हैं, कभी कभी बिगड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप भी जब एक्टर बनने की सोचते हैं, कभी कभी लगता है कि यार पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, मान रहे, फिर भी उनकी बात मानिए, एक ना एक दिन वो भी आपकी बात मानेंगे, क्योंकि जब जब आप बिखरेंगे तब उनके ही इमोशंस के साथ अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत काम करता है। जिस तरह से उसके फादर ने, उसकी मम्मी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, आपके मदर फादर भी आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तय कर लिया है, इरादा पक्का है, तो पक्की बात है कि आपको काम ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कभी कभी अनजाने में सबसे गलती हो जाती है, और शिवम ने माना कि जब उन्होंने सेल्फ एनालाइज किया तो रियलाइज़ हुआ कि उनसे भी कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं अनजाने में, उन्होंने उनके सामने उन लोगों से सॉरी कह दिया, इससे उनको भी अच्छा लगा और धीरे धीरे इंडस्ट्री ने एक बार फिर से एक्सेप्ट किया और फिर से काम मिलना शुरू हो गया। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।